नमस्कार दोस्तों, मैं रीता स्वागत करती हूँ रीता जी बिहारी किचन में। तो ये देखिए दोस्तों, हम चना लिए हैं, काला चना। इसको रात भर के लिए पानी में छोड़ दीजिए। अगर दिन में आपको बनाना है तो 4 घंटा पानी में डाल दीजिए। तो इसका एकदम जल्दी से बनने वाला रेसिपी बनाएंगे, घुघनी। हमारे तरफ बिहार में इसको घुघनी बोला जाता है, तो जल्दी बन जाएगा। तो देखिए, एक टमाटर लिए हैं और 3 प्याज लिए हैं। और चलिए फिर आगे दिखाते हैं, प्याज उसको काट लेते हैं पहले। तो देखिए, हम प्याज को छील के काट ले रहे हैं। और ये घुघनी इतना जल्दी बन जाएगा कि आप सोचेंगे भी नहीं कि इतना जल्दी बनता है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसके आगे चिकन मटन सब फेल है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, हम प्याज काट रहे हैं। जैसा इसमें कोई अथी नहीं है कि पतला प्याज कटेगा, मोटा प्याज कटेगा, ऐसा कटेगा। आपका जैसा मन है, जल्दी में बनाना है तो जल्दी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम प्याज काट लिए हैं और ये ले लिए हैं 10-15 हरी मिर्च है, इसको भी काट लेते हैं खाली बीच बीच से। इसको पतला उतला कुछ नहीं काटना है, बस बीच से दो दो फाँक कर लीजिए। तो देखिए, इतना हम लहसुन का प्याज मेरा कट चुका है, और इतना हम लहसुन का एक पोट लहसुन ले लिए छोड़ा के, खोया नहीं छोड़ा, इसी तरह ले लिए हैं। और ये इतना हरा मिर्च है, 8-10 होगा, 6-5-6। तो चलिए घुघनी बनाने के आगे चलते हैं। तो देखिए, इधर मेरा कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 तौली तेल डालेंगे। अब तेल अपना खाने के अनुसार ले सकते हैं, जितना तेल अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये देखिए, हम तेल डाल दिए हैं, मेरा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 5 फोड़ना, एक ये देखिए ये दालचीनी का पत्ता है। ऊपर मेरे छत पे दालचीनी का पौधा है, तो वहाँ से हम पत्ता ले आते हैं। एकदम बिल्कुल दालचीनी की तरह इसका टेस्ट आता है, स्वाद खुशबू सब। तो 2-4 पत्ता डाल दिए हैं, एक दालचीनी का पत्ता डाल दिए हैं, एक सूखा हुआ मिर्च डाल दिए हैं, चुटकी हींग डाल लिए हैं। हींग से अच्छा होता है खाना वाना पचाने के लिए, या कुछ होता है बातरा चीज़ होता है तो हींग उसका कट कर देता है। तो देखिए, हमारा सारा फोरन है जो पक चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो देखिए, हम कटा हुआ प्याज डाल दिए सब। यहाँ पर हरा मिर्च भी डाल देंगे। लहसुन अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा देर बाद डालेंगे। ये सबको मिला लेते हैं, बनने में कोई भार नहीं, हम तुरंत बना लें। सिर्फ प्याज और ये चना आपका फूला हुआ है तो हम तुरंत बना लें। यहाँ पर लहसुन भी डाल लेंगे, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसके आगे तो नॉनवेज भी फेल हो जाता है, तो ये जो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ये चीज़ खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चना डाल देते हैं। तो देखिए, चना को हम धो लिए हैं, साफ भी कर लिए हैं। और ये हम 250 ग्राम मेरा चना है, फूलने के लिए दे दिए हैं सबको। थोड़ा सा हम चना को भूंजेंगे। अब यहाँ पर मसाला डाल देते हैं हम। तो ये जीरा गोलकी पाउडर है, 1 चम्मच हम डाल दिए हैं, नहीं धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आपको इसमें अगर ग्रेवी रखना है तो अपना ग्रेवी के अनुसार नमक डालें, और फिर अपना स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लें। मसाला मतलब जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो सब नहीं डालेंगे, क्योंकि लहसुन तो हम डाल दिए हैं और अदरक हम नहीं डालेंगे। अगर आपका मन हो तो डाल सकते हैं। इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। बस इतना ही मसाला से इसको हम बनाएंगे आज। बिल्कुल कम मसाला में ही बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है, जल्दी बन जाता है। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे सिर्फ कलर कलर और स्वाद आता है, ये तीता नहीं उतना होता है। तो इसको भूंज लेंगे। तो देखिए देखिए कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है, और
ये 1 चम्मच हम गरम मसाला इसमें डाल दिए हैं। तो हमारा भुजा गया है लगभग घुघनी, हम लोग इसको घुघनी बोलते हैं, कोई कोई इसको छोला भी बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ हमारा हमें बताइएगा कि हमारा ये घुघनी का वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हम 1 गिलास इसमें पानी डाल लेंगे, अपना ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। तो हम 1 गिलास इसमें पानी डाल दिए हैं, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, 5 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। 5 सीटी में आराम से पक जाता है। तो देखिए हमारा 5 सीटी लग गया है। अब कुकर को हम चूल्हे पर से नीचे उतार देते हैं। तो देखिए ये हमारा कितनी अच्छी तरीके से एकदम मिल गया है, लगता ही नहीं है कि हम इसको कुछ नहीं किए, बस इसी तरह 5 सीटी लगा दिए हैं, तो आराम से मिल गया है। तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता छीट देते हैं। तो धनिया का पत्ता छीट के मिला देते हैं और इसको लिट्टी के साथ खाएंगे, जो बहुत अच्छा लगता है। लिट्टी घुघनी आप कभी भी बाहर गए होंगे तो देखे होंगे, बाहर रोड पर लिट्टी घुघनी मिलता है। तो इसके लिए देखिए हम अब भुरकुंडी बनाने चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज हम सब्जी लिए हैं काट के, ये अदरक है, ये धनिया का पत्ता है और ये लहसुन है 1 फुट, इसको छील के काट लिए हैं। और इधर हरा मिर्चा लिए हुए हैं और प्याज 1 काट के ले लिए हैं। इधर ये गोलकी है, गोलकी को छोटे छोटा खल से कूट लिए हैं। तो चलिए सत्तू बनाते हैं, जो लिट्टी बनता है सत्तू भर का। तो 1 कप हम इसमें सत्तू लिए हैं, और आप कोई भी सत्तू ले सकते हैं, चना या गांव का सत्तू या घर का सत्तू। तो देखिए हम सत्तू ले लिए, इसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ, देखिए हम छोटा छोटा एकदम प्याज काट लिए हैं, लहसुन को काट लिए हैं, अदरक को हम कद्दूकस कर लिए हैं, ये हरा मिर्च है और लाल मिर्च है, दोनों को मिक्स करके हम काट लिए हैं एकदम मही मही। यहाँ पर अब ये कद्दूकस किया मंगरेला जवान डाल देते हैं 1 चम्मच। यह देखिए हम अचार का इसमें तेल और मसाला डाल रहे हैं, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो अलग अलग तेल मसाला डालें। नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। देखिए ये अचार है आम का, खट्टा होने के लिए हम इन अचार का गुठली निकाल के इसमें डाल लेंगे। और ये देखिए कूटा हुआ गोलकी है, काली मिर्च, इसको कूट लिए हैं। अभी इसमें को मिला देते हैं एकदम अच्छी तरीके से, मिला ले, इसमें कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका ये सत्तू बनाइएगा, मतलब लिट्टी बनाइएगा सत्तू भर के, तो बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है, एकदम तुरंत बन जाएगा। तो सबको मिला लेते हैं। देखिए इसको हम मिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है सही से, मतलब मुट्ठी बन हाथ जाना चाहिए, तो अगर नहीं बना है तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और पानी लेके इसको मिला दीजिए, एकदम भर भरा रहना चाहिए। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिए हैं और पानी भी डाल के इसमें मिला लेंगे। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये नहीं टूट रहा है, मतलब लड्डू के जैसा हो जा रहा है। तो ऐसा ही आपको भुरकुंडी बनाना है, सत्तू का भुरकुंडी हम लोग बोलते हैं। इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे, ये इससे बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू भी खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसमें धनिया का पत्ता डाल लें आप खूब सारा। और चलिए हमारा भुरकुंडी तैयार हो गया है, अब आटा सान लेते हैं। तो देखिए हम आटा लिए हैं, मेरा 250 आधा किलो आटा है, आपके घर में जितना आदमी है उस हिसाब से आटा ले लीजिए। उसमें नमक डाल लीजिए, हम नमक डाल लिए हैं 1 चम्मच। और सबको मिला लेंगे, आटा सान लेंगे, आटा को थोड़ा थोड़ा पानी दे के कड़ा आटा सानिएगा, मुलायम नहीं सानिएगा, कड़ा आटा का लिट्टी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कड़ा आटा मतलब बहुत कड़ा नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल कड़ा आटा लीजिएगा। उसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम सान रहे हैं। तो देखिए हम आटा को एकदम कड़ा लिए हैं, ज़्यादा मुलायम नहीं किए हैं, बहुत कड़ा भी नहीं किए, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा कड़ा लेना है बस। और देखिए हम सान के छोड़ दिए थे 2 मिनट के, फिर इसको मिला लेते हैं। कभी भी आप आटा सानना है तो इसको सान के छोड़ दें, उसके 5 मिनट बाद उसको आटा को मिला ले, बहुत अच्छा आटा बन जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है आटा। तो देखिए इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम रिफाइंड डालेंगे। अब जिस तेल जो तेल भी खाते हैं उसमें भी आप ये लिट्टी बना सकते हैं। तो हम रिफाइंड और सरसों का तेल दोनों खाते हैं, अभी फिलहाल रिफाइंड डाल दिए गर्म होने के लिए, जब तक इधर लिट्टी भर लेते हैं। तो देखिए छोटा छोटा लोइया काट लिए हैं,
इसको हाथों की सहायता से गोल कर लेंगे काट के। दोनों हाथों की सहायता से इसको गोल कटोरी की तरह बना लेंगे। और ये बहुत आसान है एकदम बनाना। जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करो, टाइम नहीं है, अगर बाहर आप कहीं जा रहे हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जो भुरकुंडी बनाए थे, स्टेपिंग जो भी बोलते हैं आप लोग, हमारे तरफ भुरकुंडी बोला जाता है सत्तू का, तो वही बनाए हैं, इसमें भर लिए हैं। देखिए अब इसको हाथों की सहायता से गोल गोल करना है कटोरी की तरह। देखिए एकदम गोल गोल हो गया है, इसको गोल करके एकदम अंदर पैक कर दिए सत्तू। देखिए तो हमारा सत्तू भरल बन गया है। देखिए एकदम अच्छी तरीके से जैसा हमको चाहिए था वैसा इसको रख लेते हैं और बना लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि जब भी हमारा वीडियो बने तो आपको मैसेज मिल जाए। तो देखिए दूसरा भी जैसे हम पहला वाला भरे थे इसी तरह दूसरा भी भर लेते हैं। तो देखिए इसको गोल कटोरी जैसा बना लिया, इसको भी इसमें उसी तरह भुरकुंडी भर लेंगे, इसको पैक कर देंगे। ये बहुत भरना आसान है, बनाना बहुत आसान है, तो आराम से बने। कहीं बाहर उहर जा रहे हैं तो आपको बाहर के लिए ये सत्तू भर कर लिट्टी बहुत आसान होता है और बहुत तरीके से बनता है। आकर बनता है, एक पानी में उबाल के बनता है, सीधे तेल में फ्राई करके बनाया जाता है। तो बहुत सारा वीडियो है, हम डाल देंगे। तो देखिए हम सब भर लिए हैं, सब देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम एक से सब भर लिए हैं। तो चलिए तेल गर्म है, उसमें हम डाल देते हैं इसको एक एक करके। तो देखिए तेल को बहुत तेज ना करें, मीडियम से थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि जब बहुत तेज तेल रहेगा तो ये लिट्टी ऊपर से जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा मीडियम से कम ही आंच पर रख के इसको पका लें। तो देखिए ये हमारा हो गया है, एक तरफ से उलट लेते हैं, दोनों तरफ से इसको उलट पुलट के पका लें। तो देखिए हमारा लिट्टी लगभग तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से इसको उलट पुलट बनाते रहिए, पकाते रहिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। कहीं आप ट्रेवल में हैं तो इसके लिए आपका नाश्ता बहुत अच्छा है। इसका इसको हम निकाल लेते हैं, सबको निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा हुआ लिट्टी उसको भी बना लेते हैं। तो ये आप लिट्टी जो बनाएंगे इसको चोखा के साथ भी खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, भुंजिया के साथ खा सकते हैं, और फिर इसको हम घुघनी बनाए हैं, घुघनी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे लिट्टी चोखा तो बिहार का फेमस खाना है, लेकिन लिट्टी घुघनी भी बिहार का फेमस ही खाना है। तो कभी आप इस वीडियो के हिसाब से बनाइए वीडियो की तरह और खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और देखिए आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं एकदम अंदर तक पका हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो